कोणार्क एनएससी अंतर्गत एक नंबर वार्डर बेठियागोदा ठारे सूर्य निर्माण और सूर्य नारायण को पूजार्चना निमन्ते नूतन सूर्य मंदिर निर्माणशाला कमिटी पक्षर भूमि पूजन कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाएगी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थली कोणार्क निज माँ को सूर्य पूजा निमन्ते राज्य लांगुला नरसिंहदेव सूर्य मंदिर निर्माण करते कालक्रमे ब्रिटिश शासन समय एठारे सूर्य नारायण को पूजार्चना बंद रही। कोणार्क सूर्य उपासन एक धार्मिक स्थली भाव सुप्रसिद्ध। दीर्घ वर्ष धरी सौर क्षेत्र कोणार्क सूर्य पूजा पुनः प्रचलन करने कोणार्क समेत भारत बाहर सूर्य उपासक संस्कृति और धार्मिक विशारद मानक महल दाबी होता स्वप्न को साकार करने स्वर्गत ओम बाबा पटशिष्य धार्मिक विशारद तथा नूतन सूर्य मंदिर निर्माणशाला कमिटी अध्यक्ष मुकेश जैन कोणार्क यार बीज रोपण कर सूर्य नारायण को पूजार्चना और एक नूतन मंदिर निर्माण पुनः सूर्य पूजार्चना करने नूतन सूर्य मंदिर निर्माणशाला कमिटी पक्षर दीर्घ चार वर्ष धरी प्रयास जारी रही। मात्र प्रशासन सहयोग और धार्मिक परंपरा को बजाय रखा सह पुनः सूर्य पूजा प्रचलन करने कोणार्क एनएससी स्थित जणई रणपड़ा मौजार बेठिया गदाठे नूतन सूर्य मंदिर निर्माणशाला कमिटी पक्षर नूतन सूर्य मंदिर निर्माण पर भूमि पूजन उत्सव अनुष्ठित हो भारतीय संस्कृतिर महान परंपरा को बजाय रखापी अर्कक्षेत्र कोणार्क सूर्य नारायण पूजार्चना पुनः प्रचलन मंदिर निर्माण निमन्ते भूमि पूजन उत्सव संपादन करा जाइछि। धार्मिक रीतिनीति अनुजाई खूब शीघ्र सूर्य नारायण को मूर्ति स्थापन सह पूजार्चना कार्य आरंभ हेबा परे मंदिर निर्माण कार्य को त्वरान्वित करा जिवो बोली अध्यक्ष श्री जैन मतव्यक्त करिसेंति। एही भूमि पूजन उत्सव रे कमिटी रो परिचालक युधिष्ठिर स्वाई गणेश चंद्र स्वाई सुरेश चंद्र साहू संजीव तिवारी मंदिर पूजक बापी पंडा समेत कोणार्क अंचल शहे ऊर्ध संस्कृति और धार्मिक व्यक्ति मैंने योगदान करते अवसर भूमि पूजन उत्सव में जोगदे श्रद्धा भक्त मैंने सूर्य नारायण प्रसाद सेवन करते। सरकार का कहना ये था, प्रशासन का कहना ये था कि ये जगह हमारा है। हमने उनसे अनुरोध किया था कि कोणार्क में भूमि दीजिए, हमें मंदिर के पास ही चंद्रभागा पर भूमि दीजिए, किंतु हम सभी जगह गए किंतु हमें वहाँ भूमि नहीं मिली। अभी हमने कोई निजी भूमि स्थिति वन भूमि है ये खरीदी है और हम प्रशासन से भी अनुरोध है, सरकार से भी अनुरोध है। वैसे तहसीलदार साहब से मिले थे भूमि खरीदने से पहले, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये स्थिति वन भूमि है, आप यहाँ पर मंदिर बनाइए और पूरा प्रशासन हम सहयोग करेंगे। तो अब भगवान जगन्नाथ का जो आदेश था सूर्य मंदिर बनाने का, हमें लगता है कि वो आदेश बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आज मंदिर को बनाने में आर्थिक समस्या कोई नहीं है, जितना बड़ा जगमोहन है उसके आधे पत्थर तराशे जा चुके हैं, 24 में से 14 रथ के पहिए बनकर तैयार हैं, कोणार्क में आ चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या में पत्थर कोणार्क में आ चुके हैं। और भूमि की हमको थोड़ा परेशानी था, वो परेशानी भी भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से आज पूरी हो गई है और हमें लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ एक उतना बड़ा नहीं किंतु एक छोटा भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार होगा और प्रशासन ने सहयोग दिया तो उतना बड़ा सूर्य मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा, गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा। अभी हमारा लक्ष्य जगमोहन और 14 जो पहिए हैं रथ के उनको और 7 घोड़े युक्त एक भव्य मंदिर बनाने का लक्ष्य है और बहुत जल्दी हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। कोणार्क ज्ञानरंजन विश्वाल का रिपोर्ट, तीर्थक्षेत्र लाइव। ग्राम्य उन्नयन विभाग ओडिशा सरकार तरफ परजंग निर्वाचन मंडली में विजु सेतु योजन दुई गोटी सेतुर भित्तिप्रस्तर स्थापन हो जाएगी। मुख्य अतिथि भाव परजंग विधायक डॉक्टर नृसिंहचरण साहू जोगदे दुई गोटी विजु सेतुर भित्तिप्रस्तर स्थापन करते। अन्य अतिथि भाव कंकड़ाड़ ब्लॉक अध्यक्षा जिला परिषद सभ्य सभ्या स्थानीय सरपंच समिति सभ्य विभाग समस्त पदाधिकारी आखपाख अंचल शह शह ग्रामवासी उपस्थित थे। बाम पंचायतर उत्तरास नाल उपरे गोटे ब्रिज होता बेले पोलटी 43 मीटर लंब थिबा बेले 900 मीटर आप्रोच रोड अच्छी। यार अटकल परिमाण प्राय 2,50,00,000 व्यय बराद करा जाएची। यह आसंता मार्च मास सुधा शेष होबार लक्ष्य रखा जाएची। एही सेतु द्वारा डोलिया बामपथरगढ़ और झिली लोकंकु बेस सहायता हेबो।
ସେହିଭଳି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋବରୀ ନାଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଜୁ ସେତୁର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 2,40,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା 43 ମିଟର ଲମ୍ବର ସେତୁ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 600 ମିଟର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ଅଛି। ଏହି ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ଗୋବରୀ, ଘୁଣ୍ଟୁଳି ପଶି, କଣ୍ଟାପାଳ ଓ ଡୋଲିଆ ଗ୍ରାମ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଥିରେ ଯିବା ଆସିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।